एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी कोस ग्लो न्यू क्रीम की। गाइज ये क्रीम जो है एक तरह की स्किन लाइटनिंग क्रीम है। सो गाइज आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये क्रीम का यूज किस टाइप की स्किन कंडीशन में किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे यूज़ करना और इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। सबसे पहले जान लेते ये क्रीम के प्राइस के बारे में। तो ये 30 ग्राम के ट्यूब के साथ अवेलेबल है। इसका प्राइस है 420 रुपीज़। ये आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी इजीली मिल जाएगी। तो यूजेस के बारे में बात करें तो ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करती है। अगर आपके चेहरे पर मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, उस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एज स्पॉट को रिड्यूस करती है, एज भरने के कारण जो चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। अगर फेस पर पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर उसके मार्क्स रह गए हैं उसको भी रिड्यूस करती है, डार्क सर्कल को रिड्यूस करती है, ब्लैक हेड वाइट हेड को भी रिमूव करती है। तो गाइज इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो सभी स्किन प्रॉब्लम में काम करता है। इसमें है कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, मैडलिक एसिड, लिकोराइज। कोजिक एसिड जो है एक वाइटनिंग एजेंट है, ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है जिसके कारण दाग धब्बे जो है रिड्यूस हो जाते हैं। नियासिनामाइड जो है ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को ब्राइट करता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है। मैडलिक एसिड जो है एजिंग साइन को स्लो करता है, स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, स्किन पर जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कंट्रोल करता है। लिकोराइज जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाया जाता है, ये चेहरे पर निखार लाता है, साथ ही दाग धब्बे को भी रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छा इन्ग्रीडियंट है ये। तो गाइज ये क्रीम को आपको रोजाना रात को लगाना है आफ्टर फेस वॉश, फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद थोड़ी सी क्रीम लेके अपने फेस पर लगाना है। डे टाइम जो है अपने स्किन रूटीन में जो है सनस्क्रीन जरूर ऐड करें, खासतौर पर अगर आप बाहर जाते हो तो। गाइज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये क्रीम को यूज़ नहीं करना है। ऐसे तो ये क्रीम सेफ क्रीम है, साइड इफेक्ट जो है नहीं है, फिर भी अपने फेस पर लगाने से पहले पेस्टर जरूर ले लीजिएगा। थोड़ी सी क्रीम लेके कान के पीछे लगा कर देख सकते हैं, अगर इसके स्किन पर जो है सूट हो रहा है तो अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ आप मेलाज्मा होने से कर सकते हो, पिगमेंटेशन होने से कर सकते हो, ब्लेमिश, डार्क स्पॉट्स, इस टाइप की स्किन इशू में आप ये क्रीम को यूज कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।